औद्योगिक नगरी को मेडिकल हब बनाने में एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए मानव जाति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान निभाने के लिए एक भिलवाड़ा ब्लड बैंक का भव्य उद्घाटन। मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान एवं कंचन देवी ट्रस्ट अध्यक्ष शंभुलाल जोशी, महात्मा गांधी के नर्सिंग अधीक्षक दिनेश सोनी और देवरा सुरतानिया प्रांतीय रक्तदान संयोजक भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत मुकुट राज सिंह शक्तावत और एकीकृत महासंघ के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह तंवर और राजस्थान नर्सेज यूनियन के जिला अध्यक्ष लक्की ब्यावट ने विधिवत उद्घाटन किया। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 53वीं बार एबी नेगेटिव ब्लड के रक्तवीत विनोद सोनी ने देखकर पहली बार ब्लड मुकेश ने दिया। भिलवाड़ा ब्लड बैंक राष्ट्रीय भविष्य निर्माण संस्थान ट्रस्ट के संचालित किया जाएगा। ट्रस्ट के अंदर विनोद कुमार भड़ाना, शिवराज गुंजल, अंतिमा धाकड़, चंदा कंवर राठौड़, महेंद्र सैनी आदि उपस्थित है। भिलवाड़ा ब्लड बैंक का आज उद्घाटन हुआ है, मुझे आने का इसमें मौका मिला है। बहुत ही अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित ये ब्लड बैंक यहाँ पे आरंभ हुआ है और आज हमने इसका अवलोकन भी किया है और बहुत सारे डोनर्स जो हैं वो आज ब्लड डोनेशन भी यहाँ पे कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भिलवाड़ा जो है वो मेडिकल हब है और एक ब्लड बैंक और बढ़ने से यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ये जो नगरी है मेडिकल के नाम पर बहुत फेमस है, बहुत जगह से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि न केवल भिलवाड़ा और आसपास के ज़िले बल्कि आसपास की जो स्टेट्स हैं उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। भीलवाड़ा ब्लड सेंटर ब्लड बैंक का उद्घाटन माननीय CMHO साहब के द्वारा किया गया है और ये पूरे भीलवाड़ा के लिए बड़े हर्ष की बात है कि आज भीलवाड़ा में एक नए ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ। अत्याधुनिक मशीनों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने भीलवाड़ा ब्लड बैंक डाला है, जिससे कि भीलवाड़ा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके और ब्लड की कभी यहाँ कमी नहीं आए। भीलवाड़ा अपने आप में एक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अग्रसर है और ब्लड की कभी कमी नहीं आएगी। पूरी पूरी सेवाएं हमारा ब्लड बैंक अच्छे से सेवाएं देगा ताकि भीलवाड़ा की जनता को स्वस्थ रखा जाए और मैं पूरे भीलवाड़ा को इसकी पूरी पूरी शुभकामनाएं देता हूं। हमारा जो आज का टारगेट है वो लगभग 200 यूनिट का टारगेट है शुभारम्भ के अवसर पर। इसके साथ साथ कई समाजसेवी संस्थाएँ NGOs यहाँ आए हैं। लगभग 100 समाजसेवी संस्था और NGO जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको सभी को सम्मानित किया।